गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और देखो ज़रा सुबह सुबह का व्यू तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट ठंड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वैसे ना 8:30 बजे तक हमारे घर में धूप आ जाती है, पर अभी तक धूप नहीं आई है, हल्की हल्की सी आ रही है। ये देखिए सूरज देवता धुंध के बीच में, अच्छा लग रहा है। धूप आएगी शायद 11:30 बजे तक आएगी आई थिंक धूप। और नीचे देखो खेतों में ना छोटे छोटे पक्षी बोल रहे हैं, ये जो नेचुरल वाली साउंड होती है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। पक्षियों की आवाज़ें है ना, कितना अच्छा फील होता है। तो फ्रेंड्स अभी जो है हल्की सी धूप निकल आई है, और ये देखो मैंने ना ये मैट जो है यहाँ बैठने के लिए बिछाई थी, पर मुझसे पहले ये कैट जो है ना ये यहाँ पे बैठ गई। पहले ये दोनों चेयर पे बैठे थे, अब ये दोनों यहाँ पे बैठ गए, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ना ये वहीं वहीं साथ साथ मेरे चलते हैं। अब देखो अब ये ऐसे ही थोड़ी देर मस्तियाँ करते रहेंगे, फिर उठेंगे यहाँ से। तो दोस्तों अभी दोपहर का टाइम है और सुबह का मौसम कैसा था आपको पता ही है। ये देखो अभी है दोपहर का टाइम और हमने बनाई है खट्टे, हमने नहीं बनाई है इसने बनाई है, और इसने मेरी बिल्कुल मदद नहीं की है। इधर से धूप में बैठी है और फोन चला रही है, वो इसलिए क्योंकि आज भी ऑफिस नहीं गई। जब भी ऑफिस में जाती है तो ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनी है, और सर्दियों के मौसम में ना धूप में बैठ के अगर हम ये खाएं तो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है आजकल के लिए। तो दोस्तों मैं ना आज घर में अकेली हूँ और मेरा मन कर रहा है लंच में आलू का पराठा खाने का, तो मैंने आलू का पराठा बना दिया है। ये रहा मेरा आलू का पराठा, 2 पराठे बना रही हूँ। तो मेरा लंच हो गया है और लंच में ना मैंने अभी आलू का पराठा बनाया था, क्योंकि वैसे तो मैंने दाल भी बनाई थी, उड़द की दाल बनाई थी, पर मेरा मन नहीं था उड़द की दाल खाने का, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा आलू का पराठा बना लूँ अपने लिए, तो पराठा बनाया। और अभी ठंड जो है ना आज बहुत ज़्यादा है, जो धूप है ना काफ़ी ठंडी ठंडी वाली धूप है और ठंड लग रही है मतलब, और मैं इतनी देर से ना अंदर चूल्हे के पास बैठी थी आग जला के, ताकि गरम गरम सिक्का आता रहे, और घर में कोई नहीं है आज, घर में सिर्फ मैं हूँ आज। चलिए थोड़ी देर हम धूप की मज़े ले लेते हैं। धूप अच्छी लगती है ना तो मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है मेरा तो वैसे भी, और मैं बस ऐसी धूप में खड़ी थी कि चलो थोड़ी देर धूप के मज़े ले लेते हैं। आजकल तो सुबह जो है ना सुबह 10:30 बजे तक जो है बहुत सारे धुंध रहती है काफ़ी बाहर, तो इस वजह से ना थोड़ा अजीब सा मौसम होता है। तो चलिए दोस्तों अब घर की तरफ को चलते हैं, क्योंकि अब ठंड होने वाली है नहीं हो चुकी है, अब ज़रा बाहर नहीं टिका जा रहा है। चल कुकु आ जल्दी, तो चलते हैं हम घर की तरफ। चलिए चलते हैं।
तो दोस्तों अभी है इवनिंग टाइम और बाहर जो है ना बहुत ही ज़्यादा वाली ठंड है, बहुत ही ज़्यादा वाली। तो मैंने अपनी कैप पहन ली है और अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ को, देखते हैं किचन में क्या बन रहा है ना। तो चलिए चलते हैं किचन में, बैठते हैं, आग सेकते हैं और देखते हैं क्या बन रहा है आज खाने में। तो चलिए चलते हैं। तो ये हम आ गए अपने किचन में और सबसे पहले तो हम यहाँ बैठ जाते हैं आग के पास। सर्दियों में ना आग सेकने के मज़े कुछ आ रहा है। और बन रहा है इधर क्या बन रहा है, कटहल बन रहा है आज। अच्छा, तो फ्राई कर रही है इसको। तो कटहल बन रहा है जी आज खाने में, डिनर में। और यहाँ जल रही है आग। सर्दियों में ना आग भी सेकते रहो और खाना भी बनाते रहो। और क्या बनाया तूने आज खाने में? तो दोस्तों तो ये आ चुकी है मेरी इवनिंग टी ही है। अभी बज रहे हैं 6:30, है ना, 6:30 बज रहे हैं। चाय पी रही हूँ मैं अभी और यहाँ बन रहा है खाना। पी लीजिए आप लोग भी चाय, गर्मा गर्म अदरक वाली। गुड नाइट फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय।